Assalamu alaikum, welcome to Sochnagar. Before going to sleep, listening some horror story, some detective story, some suspense or thriller story, or any other audio stuff, some podcasts, some late night horror shows sort of thing. Yeah, this is my today's topic. तो गाइस आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे. एक्चुअली आई डोंट नो वेदर आई हैव इंसोमनिया, एक्यूट सॉर्ट ऑफ इंसोमनिया और व्हाट, बट सिंस चाइल्डहुड मैं रात को सोती बहुत कम हूँ. एक्चुअली आई हेट टू स्लीप, स्पेशली इन नाइट टाइम. तो मैं बहुत लेट सोती हूँ एंड विदाउट लिसनिंग एनी हॉरर स्टोरी, डिटेक्टिव, सस्पेंस और थ्रिलर, आई कुडंट स्लीप. तो मैं सो ही नहीं सकती बगैर कोई अच्छी स्टोरी पढ़े या सुने हुए. वैसे आजकल मैं ज़्यादा सुन भी रही हूँ, पढ़ती भी हूँ, लेकिन सुन ज़्यादा रही हूँ, ख़ास करके रात के टाइम जब मुझे सोना होता है तो. एंड आई एम वेरी मच यू नो फॉन्ड ऑफ हॉरर स्टफ़. और आजकल मैं पिछले कुछ सालों से एक्सट्रीमली एडिक्टेड टू लेट नाइट हॉरर शो विद मिन्हाज अली असकरी. एक्चुअली हिज वॉइस इज़ वेरी सूदिंग एंड द वे ही नरेट द स्टोरीज, दैट इज़ अमेजिंगली गुड. तो मैं जब उसकी स्टोरीज सुनती हूँ, उसका शो सुनती हूँ, तो देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई फॉल अस्लीप. तो मुझे इस तरह से मेरी एक रूटीन जो है वो डेवलप हुई हुई है. बिफोर गेटिंग स्लीप, रीडिंग एनीथिंग और लिसनिंग एनीथिंग, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड हैबिट. इट मेक योर बेस एंड फाउंडेशन ऑफ गुड स्लीपिंग हैबिट. आई हैव इंसोमनिया, लेकिन मुझे बाकी इंसोमनिया के कोई सिम्टम्स नहीं है, जैसे कि इन डे टाइम लेथार्जिकनेस, फीलिंग टायर्ड और फ्रेश फील ना करना, लैक ऑफ एनर्जी, इस तरह का मुझे कोई और सिम्टम नहीं है. सो आई रियली डोंट नो ये इंसोमनिया है या कुछ और है, लेकिन बहरहाल मुझे नींद बहुत कम आती है, रात को बहुत कम. तो इसमें मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करती है सोने में, वो मुझे कुछ अच्छी कोई कहानी सुनूं तो वो करती है. लेट नाइट हॉरर शो के अलावा एक और मैं स्टोरी सुनती हूँ. रेडियो मिर्ची पर एक सेगमेंट है, कोई पुराना पड़ा हुआ यूट्यूब पे, एक पुरानी कहानी विद सादत हसन मंटू. इसमें सारी सादत हसन मंटू की स्टोरीज़ हैं. उसमें स्पेशली एक ख़ास स्टोरी है हतक, जिसे आरजे साइमा ने नरेट किया है. आई डोंट नो क्या जादू है उस स्टोरी में, सुनते साथ ही मैं सो जाती हूँ, फौरी तौर पे सो जाती हूँ. तो ये मुझे एक इंटरेस्टिंग बात लगती है कि आप सुनने से कैसे सोते हैं. फिर आप देखें, जब बच्चे छोटे होते हैं, ख़ास करके पुराने ज़माने में, तो उनको पुराने ज़माने में भी और अब भी जो बहुत वेल एजुकेटेड पीपल हैं, वो अपने बच्चों को स्टोरी ज़रूर सुनाते हैं बिफोर गोइंग टू बेड. मेरे फादर मुझे ज़रूर रात को स्टोरी सुनाते थे, कोई ना कोई हॉरर स्टोरी सुनाते थे. इस वजह से मुझे हॉरर स्टोरीज सुनने की आदत है और इसके बिना मैं सो नहीं सकती हूँ. अच्छा, अब हम लिसनिंग से, मतलब बिफोर गोइंग टू बेड इफ़ वी लिसन सम स्टोरी, तो हम कैसे सोते हैं. एक्चुअली लिसनिंग बिफोर बेड टाइम जो है, ये स्लीप हार्मोन जिसे विच इज़ कॉल्ड मेलाटोनिन, उसको इम्प्रूव करता है, इनकरेज करता है. तो अक्सर आपने देखा होगा हम मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, मैं खुद भी लेती हूँ, तो ये उसको इनकरेज करता है. तो इट मीन्स के लिसनिंग स्टोरीज बिफोर स्लीप ये मेलाटोनिन को इनकरेज करता है, जिसकी वजह से हम सोते हैं. मेलाटोनिन जो है ये स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है. तो मैं इसके सप्लीमेंट भी लेती रही हूँ, वो भी काफ़ी बेटर हैं. और अगर आपको भी कोई इस तरह का स्लीपिंग डिसऑर्डर है तो आपको ये सप्लीमेंट लेना चाहिए. मेलाटोनिन का सप्लीमेंट जो है ये इन ड्रॉप फॉर्म बच्चों को भी रिकमेंड किए जाते हैं समटाइम्स, जिनको इंसोमनिया का इशू होता है. तो स्टोरीज़ की बात हो रही थी, कहानियों की बात हो रही थी, और
अक्सर लोगों को हॉरर कहानियाँ जो हैं, हॉरर स्टफ़ जो है वो बहुत सूदिंग लगता है, मुझे बहुत सूदिंग लगता है। आई फील वेरी रिलैक्स कि मैं जब कोई हॉरर स्टोरी सुनती हूँ, डिटेक्टिव या समथिंग लाइक दैट, कुछ अलग सस्पेंस, तो मुझे ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा नींद की तरफ ले जाती हैं, सुकून देती हैं, तो आई लाइक दैम। तो इसका मतलब कहने का ये है, और ये एक तरह का नेचुरल मेलाटोनिन को इनक्रेज करने का वे है कि बिफोर गोइंग टू स्लीप यू हैव टू लिसन सम स्टोरी। तो आजकल जैसे कि मैंने अपने किसी पुराने पॉडकास्ट में या किसी पुराने एपिसोड में मैंने किसी में आपको बताया होगा, कहा होगा कि जो फ्यूचर है वो ऑडियोबल स्टफ़ का या रेडियो का ज़्यादा है। देखिए 100 में से 55% लोग मेरे नॉलेज के मुताबिक इंसोमनिया पेशेंट हैं, सो नहीं पाते अक्सर बिकॉज ऑफ आर लाइफस्टाइल, डिप्रेशन, एन्जाइटी या समटाइम्स वैसे ही ओवर एक्साइटेड जो लोग होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी रीजनिंग है, सारी रात बैठ के सर्फिंग करना या चैटिंग करना और रिलेशनशिप्स, काफ़ी सारे ऐसे मामलात जो हैं उसकी वजह से नींद का हमें इशू हो जाता है। तो उसके लिए जो है ये नेचुरल वे है मेलाटोनिन को इनकरेज करने का। तो जहाँ पे हम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं मेलाटोनिन के, तो अगर इसको भी आप ट्राई करें तो आई एम श्योर यू विल फील मच मोर बेटर। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि बिफ़ोर गोइंग टू स्लीप आप किस किस्म की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, और स्टोरीज सुनते हैं या नहीं, पॉडकास्ट सुनते हैं या नहीं। और मैंने तो आपको बता दिया कि बिफ़ोर गोइंग टू स्लीप फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, ऑलमोस्ट 2-3-4, आई थिंक आई स्टार्टेड लिसनिंग मिनहाज अली अस्करी इन 2016 या, तो उस वक्त से लेके अब तक मैं तो उसके शो की मुझे एडिक्शन है, और मैं बल्कि उनसे मैं कभी कहती भी हूँ कि योर वॉइस इज़ वेरी सूदिंग, और मुझे एडिक्शन हो चुकी है आपकी सुनाई कहानियों की। व्हेन माय फादर वाज अलाइव तो वो स्टोरी सुनाते थे, अब मिनहाज अली अस्करी हमें स्टोरियाँ सुनाते हैं और हम सोते हैं। तो आई रियली लव स्टोरीज़। मुझे मेरी फ्रेंड्स और सब लोग कहते हैं कि तुम स्टोरीज़ में रहती हो, कहानियों में रहती हो। हाँ मैं रहती हूँ, और आई गेस ये अच्छा होता है। इसके अलावा मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहती थी। एक्चुअली आई टेक माई एपिसोड्स एज आई एम राइटिंग माई डायरी, सो मैं आपसे ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि कल मेरे साथ एक बहुत ही बैड सैड कह लें इवेंट हुआ। वो ये कि मेरी बहुत ही नियर और डियर पेट डॉग डाइड, सो आई एम क्वाइट सैड एंड आई एम रियली मिसिंग हर। तो वेल इट हैपन्स, मिस्टीरियसली शी डाइड, और इसका मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ है उसे, लेकिन बस शी डाइड। इसके अलावा आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि मेरे जो हॉरर सेगमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और मुझे अक्सर लिसनर्स कह रहे हैं कि छोटे एपिसोड्स नहीं, थोड़ा आप लॉन्ग वीडियोस डालती हैं तो हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो 5 मिनट 6 मिनट का नहीं ज़्यादा का डालें। अच्छा आप भी बताइएगा, मैं बहुत हैरान हुई हूँ कि लोग मुझे शायद ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं, ज़्यादा देर तक मुझे आप टॉलरेट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आई रियली फील गुड जब मुझे इस तरह से। इवन मेरी नीस हैं एक, उन्होंने मुझे कहा कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए, मे बी शी वॉन्ट्स मोर डिटेल्स, और पता नहीं, लेकिन एनीवेज मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके मुताबिक, लेकिन मेरा जो दिल चाहता है, मुझे जिस तरह से अच्छा लग रहा होता है, मैं प्रिपरेशन नहीं करती किसी भी एपिसोड की, मुझे जो जिस तरह से जिस वक्त उस वक्त जो दिल चाहता है, जो मन चाहता है, मैं उसके मुताबिक करती हूँ, क्योंकि सोचने का जो प्लेटफॉर्म है इसका फॉर्मेट ही यही है, वेरी नेचुरल, जस्ट जो दिल में आए आप अपने दिल की बात कह सकें, ज़रूरी नहीं है कि वो हॉरर हो। अब आप ज़्यादातर मुझे हॉरर ईमेल्स शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे लास्ट कुछ एपिसोड्स जो हैं वो ज़्यादातर हॉरर रहे हैं। मैं खुद भी हॉरर बातों में ज़्यादा
दिलचस्पी रखती हूँ, इसलिए ज़्यादा हॉरर बातें हो रही हैं। तो जहाँ पे हॉरर बातें हो रही हैं तो वहाँ पे फिर कुछ ना कुछ हॉरर बात आज भी होनी तो चाहिए, लेकिन शायद मैं ना कर पाऊँ क्योंकि टाइम ज़रा कम है, तो फिर बात करेंगे। एक और स्ट्रेंज बात, मुझे अक्सर लोगों ने ईमेल किया है कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर नहीं डालें तो हमें आपकी आवाज़ और ज़्यादा अच्छी लगती है, ख़ास करके जब आप कोई हॉरर बात बता रही होती हैं। तो वेरी स्ट्रेंज, अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा हॉरर लगती है स्टोरी अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक ना हो, तो नेक्स्ट टाइम से हम ये ट्राई करके देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स तो करते रहना चाहिए। तो आज भी मुझे तकरीबन 5-7 जो हैं वो ऑडियो नोट्स भी मिले हैं, वो भी सारे के सारे हॉरर हैं। तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो एक्चुअली आज का जो एपिसोड है ये इसलिए है कि मतलब इंसोमनिया को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट अननेचुरल वेज। तो एक बहुत ही नेचुरल वे जो है वो इंसोमनिया को कंट्रोल करने का, वो ये है कि बिफोर गोइंग टू स्लीप आप कुछ सुने, यानी बेड टाइम स्टोरी, जो भी आपकी चॉइस हो, हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, कुछ भी, या कोई पॉडकास्ट, या कोई भी चीज़, जो म्यूज़िक, कोई लाइट म्यूज़िक, कोई कुछ भी, पियानो, जो भी आपको सूट करता हो वो आप सुने। ये एक नेचुरल वे है मेलाटोनिन को एनकरेज करने का। इसके अलावा आप मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स भी लें, योगा भी करें और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी करें, तो वो इट विल हेल्प यू अलॉट। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो दोबारा फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आपके पास दोबारा आएंगे। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।